अब आवाज़ ठीक होगी? हाँ ना, ओके ठीक है। करंट अफेयर पे थे हम लोग, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण मैं फिर से आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। क्या कह रहे चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर ओवरऑल ठीक था। अच्छा, कैलकुलेटिव मुझे नहीं लगा। हाँ? मेरा पर्सनल हुआ है। हाँ, ये कैलकुलेटिव नहीं लगा, थोड़ा बोर्ड मार्क्स पे थे मैथ्स के क्वेश्चन। हाँ? और रीजनिंग पूरी बैंकिंग पैटर्न पे थी जी, सेटिंग अरेंजमेंट पे। हाँ? और एक वो जो होता है मतलब ढूंढने होते हैं चार अलग अलग करके वर्ड्स को। हाँ हाँ, जम्बल जी वो थे। हाँ? रीजनिंग भी सरल थी। हाँ? और 50 क्वेश्चन जो जीएस थे उसमें लगभग 25 से 30 के बीच में थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं जनवरी फरवरी मार्च इन सब पे डिपेंड थे। हाँ, काफ़ी अंदर से थे, मतलब नॉर्मल पढ़े हुए नहीं थे। हाँ हाँ, स्टैटिक जी के थोड़ा इधर आप अंदर आ जाइए ना, ऑटो की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा जा रही है। हाँ, स्टैटिक जी के भी ठीक आई थी। उसमें रिवर्स वगैरह के क्वेश्चन थे। हाँ, डांस फॉर्म्स थे। अब मैंने माइक लगा लिया है तो सभी लोग एक बार बता दें कि ऑडियो ओके है या नहीं है। माइक है तो ऑटो की आवाज़ से भैया हेलो, टेम्पो थोड़ा आगे कर लीजिए। हाँ चलो ठीक है, ओके। हाँ, क्या बता रहे थे आप? करंट अफेयर बारे में बताया मैंने, 25-30 क्वेश्चन थे लगभग। अच्छा, और 2020 के भी थे और 21 के जो हैं जनवरी फरवरी मार्च इन सब में से जुड़े हुए थे। और स्टैटिक जीके में डांस फॉर्म्स थी। हाँ? और रिवर्स के बारे में था। हाँ? साइंस का पोर्शन बहुत कम था। अच्छा, केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ज्योग्राफी से एक भी नहीं था। हाँ हाँ, पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन थे जी, एक आर्टिकल बेस्ड था, आर्टिकल 239 आया था। हाँ, और बस सर यही था, नॉर्मल था। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जो 50 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें जनरल साइंस का वेटेज कितना था और जनरल अवेयरनेस का वेटेज कितना था? जनरल साइंस का तो ज़्यादा ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, बाकी 40 से 42 उससे कम होगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी 40 से जो 42 क्वेश्चन थे वो आपका जनरल अवेयरनेस से था। तो जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक का पोर्शन कितना था और करेंट का पोर्शन कितना था? स्टैटिक का पोर्शन 15 क्वेश्चन रहा होगा, कम से कम 15। अच्छा, करेंट रहा होगा 20 से 25 के बीच। अच्छा, करंट 20 से 25 और स्टैटिक बाकी जो रिमेनिंग बचा वो स्टैटिक। तो स्टैटिक में हिस्ट्री के थे 2 क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन रिमेंबर है क्या जी? एक आया था मोहम्मद बिन तुगलक से था रिलेटेड, उसमें राणा कुंभा ने जो विजय पाई थी, विजय स्तंभ किया था उसके लिए आया था एक। हाँ, और सर एक ही रिमेंबर है। अरे लाइव में देखो तो आवाज़ आ रहा है। पूछ रहे हैं यार ये, हाँ क्या बता रहे थे? हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन थे। हाँ? एक जिसमें राणा कुंभा विजय हुए हैं, विजय स्तंभ वाला क्वेश्चन। हाँ? वो था। हाँ? सेकंड रिमेंबर नहीं है मुझे। पॉलिटी में आर्टिकल 239 था। हाँ? और एक था कि प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। हाँ? और एक था कि भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था जो ड्राफ्टिंग कमेटी का, उस डेट कौन सी थी। हाँ, साहित्य अकेडमी अवार्ड की जो है कब से किस ईयर से दिए जा रहे हैं। हाँ, ये था। एक IPCC की फुल फॉर्म आई थी। हाँ, और सर बस यही याद है अभी तो मुझे। अच्छा, क्या तो करंट जो पूछा गया था कहाँ तक करंट को कवर किया गया? करंट लगभग मार्च तक का था, लेकिन इसमें अवार्ड्स वगैरह जो थे वो नॉर्मल यहाँ के नहीं थे, मतलब विदेश के अवार्ड ऐसे लग रहे थे कि फॉरन वाले थे। हाँ हाँ, फॉरन वाले अवार्ड्स थे। और तो बताइए, मैंने आपको SDI इंडेक्स थी एक 2020 की। हाँ? उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे पूछा था कि कौन सी कंट्री बेस्ट है, मतलब। अच्छा, नंबर वन पे थी। हाँ हाँ, तो ऐसे घुस के भी करंट अफेयर अलग अलग पार्ट्स में था। अच्छा, रैंक अच्छा। नहीं पूछी थी। हाँ हाँ जी, तो बेसिकली नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ना नोबेल प्राइज से था, ना माइक मुंह के पास रखे, ना US ओपन वगैरह से था, और किसी चीज़ से नहीं था। अच्छा जी, तो जो जनरल वाला पोर्शन था 50 में से, उसमें से कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने तो लगभग 26 किया है, 26-27। अच्छा जी, तो मेरे पास NTPC 52 का सिलेबस है, इसमें मैं टॉपिक्स का नाम बताऊंगा आपको जनरल अवेयरनेस का, बताइएगा उस टॉपिक से क्वेश्चन थे या नहीं थे। थे तो किस टाइप के क्वेश्चन थे? जैसे कि फर्स्ट पोर्शन है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो हाल ही में जो देश विदेश में घटनाएं घटी, जैसे कि अभी IPL चल रहा है। नहीं, ऐसा क्वेश्चन कोई भी जनरल क्वेश्चन नहीं था। जनरल क्वेश्चन कोई नहीं था?
कोई क्वेश्चन जनरल नहीं था कि आप कहीं न्यूज़पेपर में देख लिया हो या नॉर्मल सुन लिया हो तो आ जाए, ऐसा नहीं था। कोई भी अवार्ड्स वगैरह नहीं थे, अवार्ड्स नॉर्मल नहीं थे, नॉर्मल नहीं थे। मतलब जो कहा गया था लेवल 6 का क्वेश्चन को जो लेवल होगा तो वो हाई होगा, तो वो हाई था जी। ठीक है, करंट अफेयर को लेकर था। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं। करंट स्टैटिक कुछ नहीं? ठीक है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, लोक नृत्य हो गया, कोई गीत वगैरह हो गया, डांस फॉर्म्स वगैरह थी एक, वो किससे था, करंट था या स्टैटिक था? स्टैटिक में ही आ जाएगा, वो महाराष्ट्र का एक था, याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, याद आ जाएगा। शायद था कुछ ऐसे करके डांस फॉर्म। हाँ हाँ, इंडियन लिटरेचर बुक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं? बुक से कोई क्वेश्चन, बुक से कोई क्वेश्चन था नहीं, स्टैटिक करंट का ही नहीं, नहीं। हाँ, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, भारत की जो धरोहर है, ताजमहल हो गया वगैरह, लाल किला हो गया, वो सबसे कोई क्वेश्चन नहीं? हिस्ट्री में जो रिलेटेड क्वेश्चन था कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था, हाँ हाँ, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं मोनूमेंट से, मोनूमेंट से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं? रेलवे का एग्जाम था, रेलवे से कोई क्वेश्चन? रेलवे से कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं था। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस के बारे में आपने बता दिया, एक क्वेश्चन आप बता रहे थे फिजिक्स का था, वो कौन से टॉपिक से था? फिजिक्स का तो एसआई यूनिट बतानी थी। हाँ, चार्ज की कूलम बताना था। चार, तो आसान क्वेश्चन था वो। उसके अलावा फिजिक्स का कोई क्वेश्चन? फिजिक्स का नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं था, एक ही क्वेश्चन वही। केमिस्ट्री का एक था, कुछ बंडल्स करके था, लेकिन वो पढ़ भी नहीं पाया, समझ में भी नहीं आया, एक ही क्वेश्चन वो भी था। मतलब किससे था, जानवरों से था, पेड़ पौधों से था, या ह्यूमन बॉडी से था? ह्यूमन बॉडी से था। और उसके बाद केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था, केमिस्ट्री से कुछ भी क्वेश्चन नहीं। हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री से बताया ही मैंने, एक ही क्वेश्चन था बस, एक और था वही राणा कुंभ वाला था ये। हाँ, और ये राणा कुंभ वाला एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था? अब एग्जैक्टली तो नहीं याद है, ये राणा कुंभ से रिलेटेड था। राणा कुंभ ने जिस जो बैटल हुआ था, हाँ, उस बैटल में विजय स्तंभ बनवाया था, ये था कि राणा कुंभ से था, मतलब वो ऑप्शन में था, आंसर में देना था, विजय स्तंभ जो बैटल हुआ था इन दो के बीच में, वो किसने बनवाया था? ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल से कोई क्वेश्चन? फ्रीडम स्ट्रगल से नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। उसके बाद फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि जो भी हम लोग जनगणना वगैरह होता है। हाँ, जनगणना से एक क्वेश्चन था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ये था कि कितनी मेगा सिटीज़ हैं, मिलियन सिटीज़ कितनी थी 2011 की जनसंख्या से? हाँ हाँ, तो पता नहीं था, ऑप्शन में किया नहीं थी। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन था ये। ठीक है। इंडियन पॉलिटी, राजनीति से कोई क्वेश्चन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्टिकल 239 आया था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया। हाँ, और ये आया था प्रेसिडेंट, आर्टिकल 239 मतलब पूरा क्वेश्चन क्या था? बस यही था कि आर्टिकल 239 में क्या है, आर्टिकल 239 में क्या है जी? उसके अलावा ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस दिए। ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री का ये, वो राष्ट्रपति का ये आया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे, सबको यहाँ लेकर बोलो, रिव्यू करने के लिए बुला रहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, वहीं आएंगे हम, तब रिव्यू करेंगे उन लोग का, बोलो सबको रुकने के लिए बोले हम। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं? अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैसे सिलेक्ट करते हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, प्रेसिडेंट, तुम यहीं रुके रहो, जाओ ही मत वहाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ हाँ, ये था। ठीक है। उसके बाद, उसके अलावा पॉलिटी से और कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से आप ये भी ले सकते हैं, इसमें भीमराव अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, डेट 29 अगस्त 1947 भी आए थे। ठीक, एक डेट आया, मतलब डेट पूछी थी इसमें। हाँ हाँ, उसके अलावा क्वेश्चन? उसके अलावा कुछ नहीं था। एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया हम लोगों का, पॉलिटिकल सिस्टम भी हो गया। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, डीआरडीओ का एक आया था। क्या था क्वेश्चन डीआरडीओ वाला? PSLV C-45 शायद लॉन्च किया गया था जी, तो वो नाम पूछा था, श्री शक्ति है कि श्री भैरवी, ऐसे कुछ करके था। हाँ हाँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पता भी नहीं था तो छोड़ दिया। हाँ हाँ, उसके अलावा इसरो, नासा, नहीं सबसे कोई क्वेश्चन था? इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं था। यूनाइटेड नेशन से किसे नहीं था? यूनेस्को, WTO, WHO, ये सब कुछ नहीं? कुछ नहीं। हेडक्वार्टर वगैरह कुछ नहीं? करेंसी वगैरह इंटरनेशनल कोई कुछ नहीं? किसी कंट्री का कैपिटल वगैरह अगर पढ़ के गए तो उससे कुछ नहीं आया था? लिसन जगह से कुछ भी नहीं आया था? नॉर्मल चीज़ें नहीं थी। इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड कुछ थे लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं है, मतलब काफ़ी लंबे लंबे थे वो, पढ़े अच्छा, नहीं। हाँ, मतलब जनरली क्वेश्चन टफ था। हाँ, अवार्ड्स वगैरह भी बताया ही मैंने, कुछ अलग ही टाइप के थे। हाँ हाँ, एक IPCC की फुल फॉर्म आई थी, IPCC की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। हाँ हाँ, इंटरगवर्नमेंटल पैनल जी।
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, ये कंप्यूटर का आया था, WWW। हाँ, आप किसकी हेल्प से बोलते हैं, HTTP की। हाँ, आया था एक। और बस एक ही कंप्यूटर से एक ही क्वेश्चन था। कंप्यूटर को लेकर स्टूडेंट थोड़ा परेशान दिखे थे। कॉमन एब्रिविएशन फुल फॉर्म वगैरह एक तो आपने बता दिया, उसके अलावा और कुछ? और कोई फुल फॉर्म नहीं था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो रेलवे हाईवे इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी किसी बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लिया गया, क्वेश्चन था लेकिन मुझे ध्यान नहीं आया। बजट से क्वेश्चन अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब था। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अब्दुल कलाम, इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्लैक्सी गवर्नमेंट प्रोग्राम सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, कोई योजना नहीं थी, योजनाओं से कोई क्वेश्चन नहीं था। फ्लोरा एंड फौला ऑफ इंडिया, फ्लोरा एंड फौना, नहीं ऐसे भी नहीं था। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन PSU से कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था PSU। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के ऊपर। विवेक सबको यहाँ बुला के लेकर आओ, नहीं तो तुम यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको यहाँ भेजो, होने दो। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से नहीं था, उसमें सब बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा थे। बोर्ड मार्क्स के कितने क्वेश्चन था बोर्ड मार्क्स का? 5-6 रहे होंगे। 5 से 6 सिंपल थे, टफ नहीं थे। अच्छा, सर्किल से 2 क्वेश्चन था। हाँ, और ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन था। हाँ, मैं टॉपिक्स बताता हूँ फिर। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नहीं थे ना? नहीं, नंबर सिस्टम। हाँ, डेसिमल से? डेसिमल से नहीं था। डेसिमल से भी नहीं था? डेसिमल से एक था, एक मतलब एक ब्रैकेट में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हाँ, उसके बाद इसको सॉल्व करना था। सिंगल क्वेश्चन हुआ नहीं वो, पता नहीं आंसर गलत था क्या था। अच्छा, हाँ वो हुआ नहीं। फ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन? फ्रैक्शन में ही था वो। हाँ, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, फ्रैक्शन में दे रखे थे। हाँ, इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू की निकाल मतलब मल्टीप्लाई करके यहाँ भेजो ना, हम देंगे ना उन लोग को, इमरजेंसी हमको आके बोलेगा ना, यहाँ भेजो उन लोग को। फ्रैक्शन से क्या क्वेश्चन था? स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके k की वैल्यू निकालनी थी। हाँ, फिर एक अलग दे रखा था, उसमें k की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना था। अच्छा जी, ठीक है, वो इजी क्वेश्चन था। इजी था लेकिन उसका आंसर उसमें नहीं था, मैच कर रहा था। मैच नहीं कर रहा था? नहीं। तो ये कई सारे क्वेश्चंस के साथ ऐसा हो रहा था, क्वेश्चन हुए थे मेरे साथ, सॉल्व कर लिए लेकिन आंसर ही मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा था। तो वो कौन के ऐसे क्वेश्चन थे? अच्छा, कौन का एक था, उसमें मतलब वो बताना था कितना कपड़ा उसमें लगेगा। हाँ हाँ, मैं जो आंसर उसमें मैच नहीं कर रहा। अच्छा, तो मतलब क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी या फिर आपके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम था? क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन में तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। हाँ, बस पाई आर एल की वैल्यू निकालनी थी। हाँ हाँ, 100 से मल्टीप्लाई करना था उसका। हाँ, दे रखा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, लेकिन आंसर उसमें नहीं थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन? एचसीएफ से एक क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था? बस 5 नंबर दे रखे थे, 275, 375। हाँ, एक और था जो उसने बस एचसीएफ बताना था, 35 एचसीएफ आ रहा था, उसका आंसर मिला। हाँ, कितने क्वेश्चन थे एलसीएम एचसीएफ से? एक ही था, ओनली सिंगल क्वेश्चन बताना था, वो आसान क्वेश्चन था। हाँ, मैथ पूरी आसान थी, पूरा आसान था, टीचिंग भी पूरी आसानी लगी। अच्छा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन? नहीं, इससे नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। इससे एक एज में था, मतलब एज में था, उसको रिलेट किया जा सकता है। परसेंटेज? परसेंटेज थे। किस टाइप का क्वेश्चन था? बहुत नॉर्मल था, किस टाइप? दो वैल्यू दे रखी थी बस। हाँ, परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी, कितना मतलब कितना ये 23% दे रखा था एक। हाँ, नंबर। हाँ, उसको 100% बताना था बस। अच्छा, 23.5% दे रखा था, 100% बताना। अच्छा, इसको इजी वाले कैटेगरी में रखेंगे आप। हाँ, ठीक है। मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन? मेंसुरेशन से बताया मैंने, कौन के 2 क्वेश्चन थे। हाँ, 2D या 3D? 2D। किस टाइप का क्वेश्चन था? एक कौन था बस, उसमें फेंसिंग उसकी बतानी थी, रेडियस और हाइट दे रखी थी। ठीक, और एक कौन हेमिस्फीयर के ऊपर था, उसमें हाँ? भी उसकी फेंसिंग बतानी थी। अच्छा, ये दोनों आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, आंसर मैच नहीं कर रहे थे इसका, भी आंसर मैच नहीं कर रहा था। हाँ, हेमिस्फीयर वाले का, एक का मैच किया, एक का मैच नहीं किया। टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। हाँ, किस टाइप का क्वेश्चन था? बस 3 लोग दे रखे थे, PQR। हाँ, और एक में मैन वुमेन दे रखे थे। हाँ, और 60-30 उनके दिन दे रखे थे बस। हुँ? पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर मैच कर गया। हाँ, ये आसान क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस? हाँ, एक क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था? लेंथ दे रखी थी ट्रेन की। हाँ, टाइम दे रखी थी स्पीड में पूछा था। अच्छा, आसानी से हो गया, आंसर मैच कर गया।
ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस दो को। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का था? दूसरे क्वेश्चन में स्पीड को 10% 30% बढ़ाया गया था, हाँ, जिससे कि टाइम फिर रिड्यूस हो रहा था 15 मिनट, हाँ, तो ओरिजिनल टाइम क्या लगेगा? 1 आवर 5 मिनट, हाँ। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, इसमें अच्छे क्वेश्चन थे, हाँ, तो 4-5 क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े कैलकुलेटिव थे, हाँ, मतलब सॉल्व नहीं हो पाया, हाँ, और एसआई के सिंपल। अच्छा, इसके आंसर एसआई वाले मैच कर गए? हाँ। तो एसआई में किस टाइप के क्वेश्चंस थे? एसआई में तो एक 5000 रुपये सम था, उसको दो में डिवाइड किया गया था, हाँ, 12% पे 10% पे, हाँ, तो जो सम 12% पे था वो बताना था। ठीक। और सीआई में एक था, उसमें 2 साल में वो 56180 रुपये हो रहा था, हाँ, और 3 साल में 59,350 पॉइंट कुछ था, हाँ, सम बताना था। ठीक। और सीआई वाला क्वेश्चन किस टाइप का था? बताया मैंने सीआई का, बस हाँ, एक में सीआई कैलकुलेट करना था, प्रिंसिपल और रेट दे रखा था, बस। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन? हाँ, एक था मार्क प्राइस कंपाउंड प्राइस का रेशियो दे रखा था, हाँ, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी थी, इसमें कॉस्ट प्राइस बताने थे। ठीक। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है। एलिमेंट्री अलजेब्रा? नहीं, अलजेब्रा एक क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था? टू वेरिएबल में था, एक्स वाई के, हाँ, वाई की वैल्यू बता रही है। अच्छा अच्छा, आसान क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन। ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन? दो क्वेश्चन थे सर्किल के, हाँ हाँ, एक सर्किल में दो पैरेलल टेंजेंट्स थी, हाँ, और मतलब एक पॉइंट पे मिल रहे थे, एंगल, हाँ, बताना था, हाँ, 90 डिग्री पर आ रहा था एंगल, हाँ हाँ, और एक सर्किल जो है रेक्टेंगल के अंदर था, 3 साइड को टच कर रहा था, हाँ, उसमें भी एरिया बताना था। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री से कोई क्वेश्चन? ट्रिगोनोमेट्री से थे दो क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन था? एक तो नॉर्मली था, हाँ, बस उसमें वैल्यू रखनी थी, हम्म, एक था मुझे नहीं आया, वो था क्वेश्चन 1/(1-10θ) प्लस 1/(1+10θ) की वैल्यू 4 थी, हाँ, और पूछा था sec²θ प्लस cosec²θ। ठीक है। तो मैथमेटिक्स का आपका 35 का वेटेज था, 35 में कितना अटेम्प्ट कर पाया आप? 32 किया। 32, तीन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जानबूझ के नहीं किए? अच्छा, उसमें से कितने सही हो जाएंगे लगभग 32 में से? होने पूरे ही सही, क्योंकि जो आपको नहीं आता था वो आपने ऑलरेडी छोड़ दिया। रीजनिंग में थोड़ा सा आएंगे, तो रीजनिंग में जो मेजॉरिटी जो कवरेज था वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन? सिटिंग अरेंजमेंट थी। सिटिंग में से कितने क्वेश्चन थे लगभग? सर्किल में थे दो क्वेश्चन, रेक्टेंगल में भी था, स्क्वायर में भी था, स्ट्रेट लाइन में भी थे, हाँ, और वो जो कोडिंग डिकोडिंग वाले होते हैं वो थे, हाँ, और नंबर्स का होता है काउंटिंग, वो भी थी। अच्छा, मतलब पैटर्न उसमें ढूंढना था, हाँ, कैसे सॉल्व हो रहे हैं बाकी तीन, तो चौथा कैसे होगा वो था। अच्छा, एनालॉजी वगैरह से कोई क्वेश्चन? एनालॉजी इससे कोई क्वेश्चन? नंबर्स में थे एनालॉजी, हाँ हाँ, वैसे नहीं था, मतलब वर्ड में नहीं था, वर्ड में नहीं था। कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज? अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं थी, नंबर्स में। अल्फाबेटिकल सीरीज एक भी क्वेश्चन नहीं था। नंबर्स वाला क्वेश्चन किस टाइप का था? सिंपल था बहुत, बस डिफरेंस 6-6 आ रहा था। हाँ हाँ, सब में 6-6 डिफरेंस आ रहा था, सिंगल क्वेश्चन। एक में 12-12 आ रहा था, फिर 8-8, फिर 4-4। हाँ हाँ, ऐसा था एक। अच्छा, और अल्फान्यूमेरिक में भी मतलब जैसे 3 दिन के दे रखे थे, ए बी सी, फिर रेशियो करके कुछ और, फिर रेशियो करके कुछ और, ऐसा होता है वो वाला। अच्छा, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से था। किस टाइप का क्वेश्चन था? बढ़िया था, लेवल कई थे उसमें, इतना ध्यान नहीं है। आंसर मैच किया था? हाँ, आंसर मैच कर गए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास वगैरह? हाँ, एक क्वेश्चन था। किस टाइप और डिवाइड इसमें इंटरचेंज हो रहा था, हाँ, फिर आ रहा था उसका आंसर 34। आसान क्वेश्चन था। ठीक है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस? नहीं, इसमें नहीं था सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस, एक भी क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है। वो था वेन डायग्राम थे, वेन डायग्राम पे 3-4 क्वेश्चन। तो क्या स्टेटमेंट दिया गया था उससे वेन डायग्राम बनाना था, फिर वेन डायग्राम बना के दिया हुआ? स्टेटमेंट दिया गया था, स्टेटमेंट से कंक्लूजन बताना था। ठीक है। तो वो किस टाइप का क्वेश्चन था? नीदर वन नीदर टू वाले, हाँ, इसी थे। और बढ़िया थे, मतलब 2-4 बन रहे थे, हाँ, इसके अंदर तब पूरा कंप्लीट होता था वो। हाँ हाँ, तो उसके आंसर मैच कर गए थे। हाँ, आंसर मैच। ठीक है। तो वो इजी क्वेश्चन आपको लगा। हाँ। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? एक रिलेशन था। किस टाइप का क्वेश्चन था?
मैट्री बनी थी उसमें, तो मेरी मैट्री बना के किया था। अच्छा, उसमें ब्रदर सिस्टर का रिलेशन पूछा था। हाँ अच्छा, 7-8 लोग थे उसमें, लास्ट में ब्रदर सिस्टर के लिए सुनाया। अटेंडेंस कितना रहा अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि जितने स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन था सारी सीटें फुल थी या कुछ सीटें आपको खाली भी दिखी? नहीं, फुल थी, लगभग मेरे लैब में फुल थी। आपके लैब में पूरी फुल थी, हाउस फुल। एनालिटिकल रीजनिंग से कोई क्वेश्चन? नहीं। सिलॉग? सिलॉग से थे एक आध क्वेश्चन। किस टाइप के थे? मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं। जम्बलिंग वगैरह से कोई क्वेश्चन? जम्बल वर्ड्स थे। किस टाइप के थे जम्बल वर्ड्स? सिंपल थे बस, बहुत नॉर्मल नॉर्मल, जैसे 3-4 डिफरेंस ऐसे लेते थे बस। अच्छा, वेन डायग्राम्स? वेन डायग्राम बताया ही मैंने आपको। हाँ, वेन डायग्राम हो गया हम लोगों का। पजल? पजल नहीं था। पजल एक भी क्वेश्चन नहीं था। डाटा सफिशियंसी? नहीं, इसे भी क्वेश्चन नहीं था। स्टेटमेंट कंक्लूजन? स्टेटमेंट कंक्लूजन वही वेन डायग्राम में ही थे। वेन डायग्राम में ही? हाँ। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन? नहीं, इसे क्वेश्चन नहीं थे। डिसीजन मेकिंग? नहीं। मैप्स? नहीं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स? नहीं। इन सबसे क्वेश्चन। एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं आप लोगों का? एडमिट कार्ड और एक अपना आईडी। आप कौन सा आईडी लेके गए थे? मैं आधार कार्ड लेके। आधार कार्ड तो अंदर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो रहा है? हाँ, बायोमेट्रिक हो रहा है। आधार कार्ड का बायोमेट्रिक से हो रहा है? आधार कार्ड का बायोमेट्रिक से हो रहा है। अच्छा, तो आज आप लोग को निकलने में काफ़ी देरी हुई, लगभग 50 मिनट देर से आप लोग निकले। कुछ इशू हो गया था। अच्छा, टेक्निकल इशू। अच्छा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं, अब वो मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज आ रहे हैं? मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टाइम सफिशियंट लगा या फिर लगा कि थोड़ा और टाइम होना चाहिए था? अच्छा, तो CBT 1 और CBT 2 का जो पेपर है, इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस की बात की जाए तो क्या बेसिक डिफरेंस दिखा आपको? GS में ही दिखा मेन बेसिक डिफरेंस। हाँ, मेरा CBT 1 में तो स्टैटिक थी ज़्यादा, करंट अफेयर नहीं थी। हाँ, इसमें करंट भरी हुई थी। अच्छा, तो क्या लगता है जिन भी स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, उनको क्या करना चाहिए कि उनका एग्जामिनेशन थोड़ा बेहतर हो सके? अब लास्ट मिनट पे तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे एग्जाम दे के आए। हाँ, बिना फालतू की टेंशन लिए और जितना वहाँ पे अच्छा कर पाए बस वही करें। तो क्या लगता है एग्जामिनेशन देने के बाद किस तरह के स्टूडेंट्स इसमें बेहतर कर पाए होंगे? अब ये तो अपने अपना सबका देने का तरीका है। हाँ हाँ, तो जैसे भी दिया। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ बेनिफिट हुए? नहीं, मैंने मॉक टेस्ट दिया नहीं था। CGL का प्रिपरेशन करता हूँ तो नहीं दिया। CGL का करते हैं। इसके अलावा और कोई एग्जाम का एक्सपीरियंस आपका? CGL का है मेरा एक्सपीरियंस। मतलब क्रैक कर चुके हैं उसको? हाँ, अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है 2020 का। हाँ हाँ, इसमें है, देखिए क्या। उसका स्कोर कैसा है आपका? अभी तो बस Tier 2 का क्लियर हुआ है। Tier 2 क्लियर है। अच्छा, तो आपका CBT 1 में रॉ मार्क्स कितना था? CBT 1 में मेरा रॉ मार्क्स था 86। और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स? 89। और आपका RRB कौन सा था? इलाहाबाद। आप कौन कौन सा लेवल क्वालिफाइड है? लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और 6, क्योंकि लेवल 4 की तो वैकेंसी ही नहीं है। अच्छा, तो आप लोग मतलब स्पेशल ट्रेन से आए थे या फिर नॉर्मल ट्रेन से आए थे? नहीं, नॉर्मल ट्रेन से मैं तो आया था, रिजर्वेशन करा के कल। हाँ, अभी जाने में दिक्कत होगी, देखेंगे। नहीं, धनबाद से स्पेशल ट्रेन नहीं है, नहीं तो परेशानी नहीं होती आप लोगों को। तो जिन भी स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन बचा हुआ है, वैसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूँगा कि आप पेपर आराम से दें, कोई ऐसी बहुत घबराने की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर टफ आ रहा है तो वो सबके लिए टफ है। अच्छा जी, स्टैटिक का जो भी पोर्शन आ रहा है। कुछ स्टूडेंट पूछना चाह रहे थे कि फिर से आपको यही एग्जाम देने का मौका मिला, तो आप कौन सी ऐसी कमियों को है जो दूर करके आप देना चाहेंगे यही एग्जाम अभी दोबारा? हाँ, मैं तो ऐसे ही, मतलब पहली बार भी वैसे ही दिया था। हाँ, मैथ रीजनिंग मेरी ठीक ही हुई थी, जो नहीं आया तो वो नहीं आया। अच्छा, नॉर्मली जैसे कर पाऊंगा वैसे ही कर दूंगा। बाकी तो GK में जितना आता है उतना ही कर पाएंगे। हाँ, तो क्या लगता है गुड अटेम्प्ट कितना होगा जिस लेवल का पेपर था उसके हिसाब से? मुझे लगता है कि 80+ रहना चाहिए। 80+। और क्या लगता है कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ के बारे में तो नहीं जा सकता मुझे। अच्छा, लैंग्वेज आपको कौन कौन से लैंग्वेज में पेपर देखने को मिला? लैंग्वेज इंग्लिश है, जो आपके डिफॉल्ट लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट किया है उसी में पूरा पेपर रहेगा, चेंज नहीं होता अंदर। अच्छा, तो आपकी पूरी की पूरी पेपर इंग्लिश में थी? इंग्लिश में थी। अब चाह के भी हिंदी नहीं कर पा रहे थे? चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। कुछ बुक्स वगैरह जिससे कि आपको हेल्प हुआ हो? सर, मैंने तो देखिए नहीं पढ़ा था ज़्यादा। हाँ? लास्ट टाइम पे बस 1-2 दिन लूसेंट देखी थी, उसमें भी 2 दिन में क्या ही देख लेंगे। हाँ,
इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं किया था। हाँ? जो पुराना स्टैटिक तैयार था बस उसी के दम पे मैं आया था। हाँ हाँ, अच्छा। बाकी मैथ रीजनिंग ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है, जैसी प्रैक्टिस रहेगी वैसा हो जाएगा। तो किस स्ट्रेटजी के साथ आपने पेपर को अटेम्प्ट किया आज, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मैं मैथ रीजनिंग के भरोसे ही आया था कि वो मेरी ठीक है। हाँ, बहुत मतलब रीजनिंग पढ़ी थी मैंने बैंकिंग के लिए काफ़ी टाइम पहले, मुझे लगा आज वो मुझे काम आई है। हाँ, क्योंकि जितने भी सेटिंग अरेंजमेंट वाले थे तो मैंने उसी के हिसाब से सॉल्व किया। हाँ, अगर जैसे जो कभी भी नहीं पढ़ा है तो उसकी थोड़ी सी समस्या हो सेटिंग में। अच्छा, पाँच पाँच छः छः लाइन के पैराग्राफ में एक क्वेश्चन था। हाँ, उसको सेट करने में अच्छा हो सकता है। तो कितना आप टारगेट लेकर के चले थे कि कितना आपको स्कोर करना और कितना कर पाए? मैं इतना ही टारगेट लेकर आया था, इतना मेरा हो गया। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं अपने आप से? अच्छा, थोड़ा और होता अगर 6-7 क्वेश्चन तो ठीक रहता, बट ठीक है। हाँ, जैसा पेपर था उसके हिसाब से ठीक। अच्छा, करंट मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब करंट का कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली अब स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि बेसिकली वो करंट के बारे में ही जानना चाह रहे थे कि करंट को कैसे वो किया जाए। अब क्या जरूरत है, अब लास्ट टाइम पे आप क्या ही देख सकते हैं। हाँ, तो कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे करंट। अच्छा, पेपर जैसा आ रहा है सबके लिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मतलब तो स्टार्टिंग में मतलब कि स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को करते जाना चाहिए या फिर करते जाना चाहिए, स्किप करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तभी लास्ट में टाइम बच पाएगा। तो आपने पूरा हो गया था? हाँ, 10 मिनट बचा था मेरे पास। अच्छा, 120 क्वेश्चन देखने के बाद। हाँ हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप करते जा रहे थे या फिर पहले? फर्स्ट से करते जा, जो आते गया करते गए। मतलब आपने ऐसा नहीं जमा मार्क और रिव्यू कर दिया? हाँ, बाकी जो भी आते गया सब्जेक्ट वाइज आप करते गए। आपने ऐसा नहीं किया कि रीजनिंग और जीएस अभी कर लेते हैं, मैथ जी के रीजनिंग करेंगे, वैसा कुछ नहीं आपने किया? ऐसे में टाइम वेस्ट होगा, ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन को आपने क्लिक किया वो निकल गया, फिर क्लिक किया वो निकल गया, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, लाइन से चले वो तो। हाँ हाँ, नहीं करना है तो छोड़ दो। तो आपका लेवल 4 का तो आपका एग्जाम ही नहीं होगा, तो ये लेवल आपका जैसे कि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं तो आप क्या लेवल 2-3-5 का एग्जामिनेशन देंगे? हाँ, एग्जाम तो देंगे, एग्जाम तो सभी देना है। अच्छा अच्छा, लेवल 5 के लिए थोड़ा करंट देख के आएंगे सर। हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं जो भी एसएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं, स्पेशली सीजीएल के एस्पायरेंट्स, उनका अटेम्प्ट ऐसा देखने को मिलता है कि एनटीपीसी जैसे एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा हो पाता है, क्या लगता है इसका क्या कारण होता है नॉर्मल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में? क्योंकि अभी देखे आपने, हम रिव्यू कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट पूरे क्वेश्चंस को देख भी नहीं पाए थे। जी, एसएससी में थोड़ा जो है टाइम का प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। हाँ, तो इस वजह से आदत पड़ जाती है। हाँ, फिर वहाँ पे भी जीएस का इतना बड़ा पोर्शन है। हाँ, उसमें इतना ध्यान नहीं देते, ये तो टीसीएस का पैटर्न ही हो गया। हाँ हाँ, 2 साल पहले की करंट अफेयर उठा के देंगे। हाँ, कब की दे देंगे कुछ पता ही नहीं है, तो उस चीज़ के पीछे मुझे लगता है अपना पर्सनल व्यू कि क्या कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। हाँ हाँ, अभी मेरा सीजीएल का भी था 21 तारीख को। हाँ, पेपर तो उसमें भी करंट अफेयर ऐसे ही इधर उधर से आई थी, उसमें मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया। अच्छा, तो मैंने 15 अटैम्प्ट किए थे, 13 सही थे। हाँ हाँ, तो टीसीएस का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन था या पैटर्न में आपको कुछ बदलाव देखने को मिला? नहीं, एसएससी से तो बदलाव है, एसएससी से इसका बहुत अलग है, एसएससी की मैथ तो बहुत अच्छी आती है। हाँ हाँ, मैंने टीसीएस ने जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाए थे एनटीपीसी सीबीटी 1 का, फिर अभी टीसीएस ही बना रही है एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो वैसा ही था। सीबीटी 1 में जैसे क्वेश्चन थे मैथ वगैरह के, वैसे ही। मतलब ये भी कह सकते हैं ये भी टीसीएस का ही एक रूप है, जहाँ पे एक ऐसा करंट अफेयर बनाया जाता है जहाँ की हवा भी नहीं लगती स्टूडेंट्स को, करंट अफेयर में ही खेल पा रहे हैं। मतलब टीसीएस के पास हर लेवल की क्वेश्चन बनाने की क्वालिटी है, वो बना सकते हैं, नहीं बनाते वो एक अलग बात होती है। उसके बाद सीजीएल में तो बहुत हाई लेवल के आ जाते हैं मैथ वगैरह में, वैसा तो यहाँ नहीं था बिल्कुल। अच्छा, तो एसएससी से थोड़ा सा इसको एनटीपीसी सीबीटी 2 को कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले क्या कहना चाहेंगे आप? जीएस के पोर्शन में तो सीजीएल से बहुत आगे है। हाँ, लेकिन रीजनिंग और मैथ में नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलिए। और कोई फाइनल मैसेज? बस आप एग्ज़ाम सब सही से दें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चलिए, थैंक यू सो मच पूरे उमंग स्टडी परिवार की तरफ से, एनवीसी ऑल द बेस्ट। रुकिएगा, काफ़ी अच्छे से इन्होंने उमंग स्टडी के सारे सवालों का, बल्कि आप देखेंगे तो मेरे पास पूरा का पूरा सिलेबस था और आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे सभी क्वेश्चंस को मैंने एक एक करके इनसे पूछा,
और बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ इन्होंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। शाम वाला जो हम लोग रिव्यू करेंगे 5 बजे वाली, जिसके कि अभी एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी एंट्री ले रहे हैं, गेट भी खुल चुकी है, तो हम लोग फिर से 5 बजे आपको लाइव मिलेंगे। और टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है Umang10, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो पूरा आपको 39 रुपीज़ का ऑफ मिल जाता है। और अभी आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, 6 मंथ फ्री टेस्ट बुक पास, तो यहाँ से जो है कि आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से टेस्ट बुक पास को परचेज करते हैं। जो भी स्टूडेंट अटेम्प्ट पूछना चाह रहे हैं, इनका एक बहुत लंबा इंटरव्यू है 30 मिनट का, पूरा इंटरव्यू देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।